अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज मुहसिन नकवी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। फॉर पीपल हु डोंट नो मी, आई विल गिव जस्ट माय क्विक इंट्रोडक्शन। आई एम अ लॉ स्टूडेंट फ्रॉम जफराबाद, जाजमान कश्मीर, पाकिस्तान, एंड करेंटली आई एम ऑन अ सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट्स कॉल्ड यूग्रेड। और इन द कंटिन्यूस ऑफ द यूग्रेड इन्फॉर्मेशन सीरीज, आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू गाइज मेकिंग अनदर वीडियो। And in this video, we will talk about the eligibility criteria, ineligibility, and benefits of the UGRADE program. So, being humans, I know that everybody is interested to get to know about the benefits. And as I am here in US availing this opportunity, so I know everybody wants to get to know about the benefits first of all. So, let's talk about the benefits. बेसिकली मैं अपनी लैंग्वेज जो है वो स्विच करती रहूँगी इंग्लिश और उर्दू में, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, अब जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स हैं वो सिर्फ इंग्लिश समझ सकते हैं, फिर जो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं मैं चाहती हूँ मैं उन्हें अच्छे से अच्छी तरह डिलीवर कर सकूँ, समझा सकूँ, तो इसलिए मैं उर्दू में समझाऊँगी। और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स का भी मतलब ये नहीं होता कि हमारी इंग्लिश कितनी स्ट्रांग है या हम कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं, बल्कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स का मकसद होता है कि हम कितने अच्छे से अपनी बात दूसरों तक डिलीवर कर सकें, दूसरे बंदे को समझा सकें। सो आई विल बी स्विचिंग बोथ लैंग्वेजेस। बेनिफिट्स की तरफ आते हैं। बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट तो यूग्रेड प्रोग्राम का यही है ना कि इट्स अ फुल्ली फंडेड प्रोग्राम बाई US स्टेट डिपार्टमेंट। पाकिस्तान से लेकर US, US से लेकर पाकिस्तान, सब कुछ जो है ना US स्टेट डिपार्टमेंट बेयर करता है, सारे एक्सपेंसेस। इवन जब आप वीज़ा इंटरव्यू देने जाते हैं, जैसे मैं मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद एम्बेसी में गई ना, इस्लामाबाद US एम्बेसी जो है, तो जो वो ट्रैवल एक्सपेंस था जाने आने जाने का अपने अपनी सिटी से दूसरी सिटी, वो भी उन्होंने रिटर्न किया। इवन हम प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन में गए, उसका जो एक्सपेंस आया आने जाने का मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद, वो भी उन्होंने वापस किया। सो अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ ये सोच के रिलेक्टेंट है कि शायद वीज़ा के लिए पे करना पड़े या कुछ, तो डोंट वरी, आपको फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस प्रोग्राम में, सब कुछ जो है ना वो US स्टेट डिपार्टमेंट पे करता है। सो गो फॉर इट। एंड अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है, आप पाकिस्तानी सिटीजन होने चाहिए, ठीक है, आपकी एज 25 और लेस देन 25 होनी चाहिए, आप किसी भी जो BS प्रोग्राम है 4 ईयर, या अगर LLB है या मेडिकल है 5 ईयर, उसके फर्स्ट या लास्ट ईयर में नहीं होने चाहिए, दरमियान में जो आते हैं ईयर्स, सेकेंड या थर्ड या 5 ईयर्स के लिए सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर में आप अपने BS प्रोग्राम में नहीं होने चाहिए, फर्स्ट और लास्ट ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। और आई गेस दैट्स इनफ फॉर एलिजिबिलिटी। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट दी इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, सो अब बात करते हैं इन एलिजिबिलिटी की। सबसे पहले तो अगर आप डुअल US पाकिस्तानी नेशनलिस्ट हैं, सो सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, स्टूडेंट्स हु आर इन देयर फर्स्ट और लास्ट ईयर ऑफ देयर BS डिग्री, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। आई एम सो सॉरी फॉर यू गाइज, आई मीन आई लिटरली कैन फील द पेन। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो नहीं कर सकते इस कंडीशन की वजह से, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। उसके बाद एम्प्लॉयज ऑफ द फुल ब्राइट ऑर्गेनाइजेशन, द US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और USAID, their spouses, children, fiancés, siblings and parents are also not eligible to apply. I wish you all best of luck. आप बहुत अच्छे से application fill करें। और या आपके जो questions हैं, जो जहाँ जहाँ पर भी आप मुझे questions send कर रहे हैं ना, Instagram पे, Facebook पे, YouTube के comment box में, मैं वो note करती जा रही हूँ। और अब जो video आएगी इंशाल्लाह next, उसमें मैं आपके उन सारे सवालों का जवाब दूंगी। So stay tuned. बेल आइकन आप प्रेस कर लें ताकि आपको साथ साथ वीडियोस मिलती रहें। और दुआ में याद रखिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।